मैम। हाँ जी, तो हम कहाँ थे? एलसीआर सर्किट पे थे, राइट? तो हमने रेजोनेंस कंडीशन की थी लास्ट। आप सबको याद होगी रेजोनेंस कंडीशन क्या थी हमारे पास लास्ट कंडीशन को, जो मैंने बोला था रेजोनेंस XL is कंडीशन। equal to XC tan phi यस, 0 0। हाँ जी, tan phi is equals to 0 and XL is equals to XC हो जाता है। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? रेजोनेंस कंडीशन। इन सबको करने के लिए अब कुछ क्वेश्चंस लिखवाती हूँ मैं, और इसी के अंदर अंदर ही रेजोनेंस कंडीशन डिस्कस करते हैं। तो आज जो भी क्वेश्चंस होंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, बिकॉज वो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो न्यूमेरिकल के लिए कॉन्सेप्ट क्रिएट करेंगे। ठीक है, क्या न्यूमेरिकल के लिए हमारे पास जो क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट क्रिएट करेंगे उनको हम यहाँ पे यूज करेंगे अभी। ठीक है, तो लिखिए जरा। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज इम्पीडेंस? इम्पीडेंस क्या होता है हमारे पास? हाँ जी, एनीवन? मैम एलसीआर सर्किट में नेट रेजिस्टेंस का काम करते हैं। हाँ जी, द इफेक्टिव, बट इतना याद रखना सिर्फ किस सर्किट में होगी? एलसीआर सर्किट में ही होगी। ठीक है, तो लिखिए द इफेक्टिव ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय एन एलसीआर सर्किट टू द फ्लो ऑफ AC through it is called impedance. ठीक है, अच्छा, तो हमने जब किया था, आप लोगों को याद होगा, तो वहां पे रिएक्टेंस की थी, तो रिएक्टेंस भी इफेक्टिव ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय इंडक्टर और कैपेसिटर था, तो उसका ऑपोजिट क्या था? सस्सेप्टेंस। उसका ऑपोजिट था सस्सेप्टेंस। बाकी सब सोए हुए हैं, किसी को पता नहीं रिएक्टेंस क्या बोल रहे हैं क्या नहीं है। आप देख लो, आप सब लोग अपने हाल। इट इज डिनोटेड बाय, यहाँ पे इम्पीडेंस की बात हो रही है, तो लिखिए इम्पीडेंस का जो रेसिप्रोकल होगा, द रेसिप्रोकल ऑफ इम्पीडेंस इज कॉल्ड, हाँ जी, एडमिटेंस। ठीक है, क्या होगा? एडमिटेंस। अब तुम लोग कंफ्यूज हो गए, इसलिए मैं तुम लोगों के लिए नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे बना के देती हूँ, सो दैट कि तुम लोगों को याद रहे। ठीक है, तो लिखिए ऑपोजिशन ऑफ ऑफर्ड बाय कंडक्टर, या फिर ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय फ्लो ऑफ डीसी, या फिर ऑपोजिशन ऑफर टू फ्लो ऑफ डीसी। ठीक है, उसके लिए जो हम नेम यूज करते हैं वो क्या होती है? रेजिस्टेंस, है ना? सबको पता होगा रेजिस्टेंस आर, और रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कौन होता है? यहाँ पे रेसिप्रोकल लिखूंगी मैं, कंडक्टेंस। ठीक है, अब ऐसी नेक्स्ट उसमें लिखते हैं आगे। ठीक है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस, इफेक्टिव ऑपोजिशन टू दी फ्लो ऑफ एसी। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम? टू दी फ्लो ऑफ एसी इन एल और सी सर्किट में, तो उसको क्या बोलेंगे हम? रिएक्टेंस। रिएक्टेंस, वेरी नाइस। और रिएक्टेंस का रेसिप्रोकल क्या होगा? सस्सेप्टेंस। ठीक है, अब ऐसी देखिए इफेक्टिव ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ एसी इन गर्ल्स, इन ओनली गर्ल्स, यस, कशिश ही देती है गर्ल्स में से एक आंसर, बाकी सब ने मुंह बंद रखे हुए, इम्पीडेंस। ठीक है, और यहाँ पे इसका क्या आएगा? एडमिटेंस। ठीक है, इज इट क्लियर? इम्पीडेंस का ऑपोजिट इम्पीडेंस, सॉरी, इम्पीडेंस का ऑपोजिट एडमिटेंस। ठीक है, अब देखो जरा, जो डीसी में ऑफर करेंगे वो रेजिस्टेंस है, और उसका रेसिप्रोकल कंडक्टेंस है। जो एसी सर्किट एल और सी में ऑफर करेंगे उसका रिएक्टेंस है, और उसका ऑपोजिट रेसिप्रोकल ससेप्टेंस है। इधर एलसीआर में करेगा तो इम्पीडेंस, और उसका ऑपोजिट एडमिटेंस। मैम लास्ट लाइन दिखा दो एक बार, पिछले पेज की।
opposition offered to the flow of DC. ठीक है, चलो लिखिए आप. क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट इज रेजोनेंस इन सीरीज एलसीआर सर्किट. रेजोनेंस क्या होती है सीरीज एलसीआर सर्किट में? ठीक है, तो लिखिए, इन सीरीज एलसीआर सर्किट, साथ के साथ नोट डाउन करना क्योंकि इसके स्टेप साथ के साथ चलेंगे. व्हेन सीरीज एलसीआर सर्किट में क्या होगा हमारे पास, व्हेन एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी, जब एक्सएल एक्ससी के बराबर हो जाएगा, द सर्किट इज कॉल्ड सीरीज रेजोनेंट सर्किट. तब हम उसको क्या बोलेंगे, सीरीज रेजोनेंट सर्किट नंबर वन. अच्छा, तो ध्यान देना, जब हम सीरीज रेजोनेंट सर्किट कर रहे हैं तो Z इज इक्वल टू अंडर दी रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर है हमारे पास. ठीक है, तो जब रेजोनेंस सर्किट चल रहा है एट रेजोनेंस, तो एक्सएल किसके इक्वल होगा, एक्ससी के इक्वल होगा. तो हमारे पास जेड इज इक्वल टू अंडर द रूट आर स्क्वायर रह गया, और फिर या फिर इक्वल टू आर. तो इसका मतलब जेड इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, आर के. और ये इसकी मिनिमम वैल्यू है, कम से कम वैल्यू. तो इसका मतलब कि जब एलसीआर सर्किट में एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी हो जाएगा, तो उसकी रेजिस्टेंस जो होगी वो क्या होगी, रेजिस्टेंस जो ऑफर होगी वो कितनी होगी, डीसी के इक्वल होगी. मिनिमम, हाँ जी, मिनिमम डीसी के इक्वल. ठीक है, पर एसी की बात चल रही है तो फिर हम डीसी का लॉजिक कैसे लगा देंगे उसमें. ठीक है, ये जरूर है कि रेजिस्टेंस सेम प्ले रोल करती है कि जो हमारा एसी में है डीसी में, पर वहां पे अभी एसी भेज रहे हैं. ठीक है हिमांशु, तो हम डीसी यहाँ पे यूज करेंगे. हमने बस स्टार्टिंग में बता दिया था कि जैसी रेजिस्टेंस डीसी में ऑफर होती है वैसी जनरली. तो अगर एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी आ गया तो जेड हमारे पास मिनिमम आ गया, तो इसका मतलब जेड मिनिमम हो गया, मतलब रेजिस्टेंस जो ऑफर होगी सीरीज में हमें वो क्या होगी, मिनिमम होगी, और वो भी किसके इक्वल होगी, आर के इक्वल होगी हमारे. ठीक है, चलो आगे चलते हैं. There comes second. Second point क्या होगा? The current in LCR circuit is given by current in LCR circuit is given by I is equal to E by Z. ऐसे देते हैं हम. E का मतलब EMF होता है. ठीक है, तो at resonance पे XL is equal to XC हो गया हमारे पास. ठीक है, और Z की मिनिमम किसके इक्वल हो गया, आर, आर के इक्वल हो गया. ये भी पता चल गया हमें, ये इसके इक्वल हो गया. तो इसका मतलब I इज इक्वल टू E बाय Z मिनिमम. अगर ये मिनिमम है तो I मैक्सिमम, तो I विल बी मैक्सिमम. तो हमें बताना है कि जब भी रेजोनेंस होगी तो करंट कितना होगा, I मैक्स होगा. करंट किसके बराबर हो जाएगा, मैक्सिमम. अगर ये मिनिमम होती है तो ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा हमारे पास. तो इसका मतलब इम्पीडेंस पे रेजिस्टेंस कम से कम ऑफर है, और हमारे पास सॉरी एट रेजोनेंस पे हमारे पास रेजिस्टेंस कम से कम ऑफर है और करंट ज्यादा से ज्यादा ऑफर्ड है. इज इट क्लियर, क्लियर है बॉयज? यस मैम. अब चलो जरा टैन एक्सएल. ठीक है, अब लिखिए जरा थर्ड केस. हमारे पास टैन फाइव इज इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्ससी ओवर आर, यही था. पर उस टाइम पे तो एक्सएल एक्ससी के बराबर है, तो टेन फाइव किसके इक्वल हो जाएगा, एज एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी, किस केस में, रेजोनेंस के केस में. तो देयरफॉर टेन फाइव जो होगा वो हमारा किसके बराबर, जीरो के बराबर. तो दिस इम्प्लाइज फाइव इज इक्वल टू जीरो डिग्री. जीरो डिग्री, तो फाइव कितना आ गया, जीरो डिग्री. तो इसका मतलब अब तीन कंडीशन हमेशा याद रखनी है जब भी रेजोनेंस होगी. XL is equal to XC होगा, Z minimum हो जाएगा, current maximum, मतलब चार conditions होगी. ठीक है, Z maximum हो जाएगा हमारे पास, so minimum हो जाएगा, I maximum हो जाएगा, और phi हमारे पास zero हो जाएगा. ठीक है, phi हमारे पास क्या हो जाएगा, zero.
क्लियर? यस मैम। यस मैम। अच्छा तो इन्हीं सारी कंडीशंस को यूज करते हैं, आई होप ये सारी कंडीशन चारों की चारों, तीनों की तीनों आप लोगों को क्लियर होगी। तो अभी मैं इससे एक चीज करवा रही हूँ जो आपके पास है बोर्ड्स का क्वेश्चन, ठीक है? आपको ड्रॉ करने के लिए आते हैं, दो पार्ट्स में, तो अभी आप लोगों ने बताना है, लेट्स डिस्कस कि कैसे करते हैं, ठीक है? तो लिखिए जरा, ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन करंट एंड रेजोनेंस या फ्रीक्वेंसी एट रेजोनेंस। ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन करंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ LCR सर्किट। करंट और फ्रीक्वेंसी के बीच में आपने ग्राफ प्लॉट करवाना है, ठीक है? तो अभी आप प्लॉट करके बताओगे कि ग्राफ कैसे होगा। हाँ जी, एनीवन, पता चला तुम में से किसी को कैसा ग्राफ बनाओगे करंट और उसमें? तो चलो इसको करवाने के लिए ना मैं आपको दो कंडीशंस देती हूँ, देखना जरा ध्यान से। इन सीरीज LCR सर्किट, ठीक है, सीरीज LCR सर्किट में करंट और फ्रीक्वेंसी की बात करनी है, ठीक है? द इंस्टेंटेनियस करंट इज गिवन बाय I इज इक्वल टू E बाय Z, ठीक है? वेयर Z कितना होगा हमारे पास, जहां पे Z होता है हमारे पास अंडर द रूट R। रेजोनेंस नहीं लिखा है, जनरल लिखा है, रेजोनेंस का यूज करूंगी जरूर बीच में, ठीक है? ये हो गया। अब देखते हैं जरा सबसे पहली कंडीशन, व्हेन n अप्रोचेस जीरो। देखो मुझे ग्राफ प्लॉट करना है यहाँ पे, मैं आपको पहले मार्क कर देती हूँ पैरेलल में। इधर है n फ्रीक्वेंसी, इधर है I करंट, n फ्रीक्वेंसी i करंट, ठीक है? क्लियर? तो चलो अब यहाँ पे आते हैं, व्हेन n अप्रोचेस जीरो, जब n जीरो को अप्रोच कर जाता है तो xl इज इक्वल टू l ओमेगा होता है। इसका मतलब l 2 पाई n होगा। अगर n जीरो को अप्रोच कर रहा है तो xl भी किसको अप्रोच कर गया? जीरो। अगर x ही है, बिल्कुल सही, अगर x ही है तो 1 बाय c ओमेगा, 1 बाय c इंटू 2 पे, ठीक है? तो ये 1 बाय 0, तो इसका मतलब ये किसको? इनफिनिटी को, ठीक है? तो इसका मतलब अगर n 0 तो ये ऐसे, तो z किसको अप्रोच किया? देखो यहाँ पे कुछ इनफिनिटी, यहाँ पे 0 माइनस इनफिनिटी, ना 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 ना, देखो ये तो ब्लंडर मैंने सिखानी थी। अब ध्यान से देखना जो मैं बात बोल रही हूँ, ध्यान से सब। xl 0 को अप्रोच कर रहा है, xc इनफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो जीरो माइनस इनफिनिटी का होल स्क्वायर, मतलब माइनस इनफिनिटी का होल स्क्वायर मतलब और बड़ा, इनफिनिटी का स्क्वायर प्लस समथिंग मतलब इनफिनिटी हो गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो जेड मतलब ऐसे लिखने का तरीका है इनफिनिटी। अभी तो तू आर बोल रहा था, पता लग गया मुझे, एक्सप्लेन करना पड़ा। देखा ये, देखो जरा, आर स्क्वायर प्लस इनफिनिटी का स्क्वायर बन गया ये माइनस इनफिनिटी का, इनफिनिटी में कुछ ऐड कर लो तो स्क्वायर, मतलब z भी अप्रोच किसको करेगा? इनफिनिटी को। मतलब व्हेन n अप्रोचेस टू 0 तो z अप्रोचेस टू इनफिनिटी, सो देयरफॉर इफ z अप्रोचेस टू इनफिनिटी तो i कितना होगा? e by z, तो i अप्रोचेस टू मिनिमम 0, मिनिमम मतलब 0, क्योंकि बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, z एंड i आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, इफ दिस अप्रोचेस इनफिनिटी तो दिस मस्ट बी अप्रोचिंग 0, तो इसका मतलब कंडीशन क्या आ गई, व्हेन n अप्रोचेस 0 I approaches zero, है ना? तो इसका मतलब when n is at zero, तो I भी जो है वो zero पे ही है। एक point मिल गया मुझे। बहुत बढ़िया। Clear है ये वाला point सबको? Yes ma'am. Yes ma'am. Second point पे आते हैं। Second point देखना जरा। If या फिर when n approaches infinity, दो ही points पे discuss करना होता है। तीसरा तो हम ऐसे ही बना देते हैं।
when n approaches infinity, ठीक है, तो xl approaches 2 pi n into infinity, ये भी infinity, xc approaches zero, बिल्कुल सही, z approaches infinity, infinity, very nice. गर्ल्स z इन्फिनिटी को कैसे अप्रोच करेगा, आज इन्फिनिटी माइनस जीरो का होल स्क्वायर है, तो इन्फिनिटी में फिर से कुछ ऐड हो रहा है, तो इन्फिनिटी दिस इज विल बी इन्फिनिटी, तो z इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो इसका मतलब देयरफॉर i इज इक्वल टू e बाय z होता है, तो i अप्रोचेस जीरो, तो इसका मतलब व्हेन n अप्रोचेस इन्फिनिटी तो i फिर से क्या हो गया जीरो, तो यहाँ कहीं पॉइंट आएगा, देखो मैं टच नहीं करूंगी क्योंकि इन्फाइनाइट है ना, यहाँ कहीं पॉइंट मार्क कर दूंगी क्योंकि इन्फिनिटी तो मैंने ड्रॉ ही नहीं किया, इन्फिनिटी को हम कभी ड्रॉ नहीं कर सकते, तो हम इसका मतलब क्या बोलते हैं कि जब भी इन्फिनिटी पे आ जाए तो इट विल नॉट टच दी लाइन, ठीक है। अच्छा तो आगे चलते हैं, ये आ गया एक पॉइंट, ये आ गया ये पॉइंट, तो अब देखते हैं थर्ड केस, व्हेन एन इज इक्वल टू एन नॉट, एन नॉट का मतलब समझ आता है सबको, करवाया है एन नॉट, नहीं करवाया, अच्छा लिखो फिर मैं आपको बता देती हूँ, पहले लिखो एट रेजोनेंस, लिखो एक अलग से उस जगह पे हटा के जरा, एट रेजोनेंस एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी होता है ना, तो मतलब फ्रीक्वेंसी निकालते हैं हम बेसिकली, तो ये होता है एल टू पाई एन इज इक्वल टू वन बाय सी, हाँ जी बिल्कुल सही, तो टू पाई एन का स्क्वायर will be is equals to 1 by LC, 2 pi n is equals to 1 by under root LC, to n is equals to 1 by 2 pi under the root LC. So is frequency ko, this frequency is called, isko hum n not bolte, this frequency is called, kaun si frequency? Kis pe aayi hai? Resonance frequency. Theek hai? तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे मतलब जब फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस हुई तो मतलब XL is equals to XC हो गया, तो मतलब when n is equals to n not, XL is equals to XC, तो इसका मतलब Z उस टाइम पे मिनिमम, I उस टाइम पे मैक्सिमम, यही कंडीशंस की हैं आपने रेजोनेंस पे, तो इसका मतलब I मैक्सिमम कब होता है, मतलब यहाँ कहीं मिसलाई करे I not पे, वेरी नाइस, पीक वैल्यू पे, तो इसका मतलब इसके तीन पॉइंट्स आ गए, एक बिल्कुल ऐसा ग्राफ बनाना है आपने विदाउट टचिंग दी एक्सिस, यहां पे देखो पता चला कि एक छोटा सा ग्राफ बनाने के लिए हमें कितना एफर्ट पुट करना पड़ा, चले गया, ये भी देख लो भाई, हम z वाला एक दिखाना लास्ट केस, ये यस मैम, अगर कभी क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी तो वो ऐसे कैलकुलेट करनी है, मैम ग्राफ दिखाना, देखो जीरो पे जीरो, ठीक है, एन इन्फिनिटी पे फिर से जीरो और एन नॉट पे मैक्सिमम, ठीक है, तो ये कंडीशंस आपने सबने याद रखनी है, पता चला कि वो एलसीआर सर्किट इज वेरी इंपॉर्टेंट, देखो कब से एलसीआर सर्किट ही चल रहा है, दो दिन हो गया हमें, तो इसका मतलब एग्जाम में क्वेश्चन किसके ऊपर आना चाहिए, एल सी अलग अलग से आर पे या फिर अकेले एल सी आर पे, एल सी आर, एल सी आर, एल सी आर, तो दिस इज द रीजन व्हाई दिस चैप्टर इज काउंटेड एज डिफिकल्ट, क्योंकि इतनी सारी चीजें लर्न करने को है, इतना सब कुछ है, अब तो मैंने तुम लोगों के लिए डाटा भी क्लब कर दिया है, पहले तो सारा डाटा इधर उधर बिखरा हुआ था, तुम्हारे लिए बहुत ईजी हो गया है, तो इसको प्लीज अच्छे से पढ़ो, अच्छे से करो, चलो अब बोर्ड का क्वेश्चन, एक साल तो ये वाला क्वेश्चन आया, उससे नेक्स्ट ईयर ही, ठीक है, उससे नेक्स्ट ईयर ही मतलब लास्ट ईयर ही हमारे पास देखना कितना इजी क्वेश्चन आ गया, कर लिया ये सबने,
मैम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी दिखा दो एक बार, वाला दिखा दो, कौन से वाला मैम? वो दोनों के फर्स्ट वाला। अच्छा इन दोनों पेजेस से फर्स्ट वाला, रुक जा एक सेकंड, ये नोट डाउन करने दो। ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वाला लग है कि इसी उसके अंदर ही आएगा। एक्चुअली रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मेरे को पहले करवाना था पर मैंने ध्यान नहीं दिया कि यूज हो रहा था इसमें, तो इसलिए इसको अलग से पैराग्राफ बना के एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती क्या है उसको अलग से पैराग्राफ बना के लिख लो एज अ टॉपिक लिख लो बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस मैम, क्योंकि वो यहाँ पे देखो यूज की है मैंने, तो आप लोग अगर सामने सामने लिखी होगी तो तुम्हें क्लियर रहेगा कि ये करने का क्या मतलब। ये लो फर्स्ट पेज की, जिन्होंने भी देखना था। अच्छा तो फटाफट से एक बेसिक क्वेश्चन पूछती हूँ ऐसे जनरली, उसके बाद एक और अभी ग्राफ आना है वो आप लोगों ने बनाना है। तो बताना जरा अंडर व्हाट कंडीशन द एसी सर्किट, नहीं ऐसे लिख लो, अंडर व्हाट कंडीशन इन एसी सर्किट करंट एंड ईएमएफ आर इन फेज, कौन कौन सी कंडीशन में है? मैम क्वेश्चन रिपीट करने का। अंडर व्हाट कंडीशन इन एसी सर्किट द करंट एंड ईएमएफ आर इन फेज? दूसरा भी यहाँ पे नितिन ने बोला एट रेजोनेंस, ठीक है? तो इन दो केसेस में हमेशा आपकी क्या रहेगी? इन फेज रहेगी, ठीक है? पहला वाला केस तो चलो आप लोगों को आ गया है, सेकेंड वाले केस का मतलब है कि हमारे पास उसमें, चलो ठीक है नेक्स्ट ग्राफ चले, चलिए बनाइए नेक्स्ट ग्राफ है हमारे पास, लिखिए ड्रॉ सेम एग्जैक्टली सारा कुछ प्रूव करके उन्होंने नेक्स्ट ईयर ही इस क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया। कहने का मतलब एक ही क्वेश्चन था पर फिर भी उन्होंने बोला ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन जेड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एलसीआर सर्किट। हाँ जी ग्राफ ड्रॉ कीजिए इसके बीच में। क्या हुआ था व्हेन एन अप्रोचेस जीरो तो जेड अप्रोचेस इनफिनिटी, व्हेन अब तो मैंने सीधी कंडीशन उठाई है इनफिनिटी, जेड अप्रोचेस Infinity. Third, when n approaches n naught, z approaches zero. Minimum. यही थी ना हमारे पास कंडीशन, तो इसका मतलब कैसे बनाऊं आप इसका ग्राफ? हाँ जी हाँ जी, जैसे ऊपर बना था उल्टा बनेगा, हाँ जी उल्टा बनेगा बिल्कुल सही। देखो खुद ही देख लो ना रेजिस्टेंस ही तो है, रेजिस्टेंस और आई का करंट बिल्कुल ऑपोजिट ही होता है, लो इसका कब ऐसे होगा तो जानबूझ के इधर को भेजना है क्योंकि इनफिनिट पता नहीं कहाँ पे जाके वो इनफिनिटी होगा, तो इसलिए यहाँ पे n इज इक्वल टू n नॉट बोल देंगे। मैक्सिमम भी देखो मैंने ज्वाइन नहीं किया, पता नहीं कहाँ से ही चल के आ रहा है मैक्सिमम इन्फिनिटी और पता नहीं कहाँ पे ही जाएगा। इज इट क्लियर सबको? यस मैम। यस मैम। तो ये पूछा था इसको देख के, देखो ग्राफ आपको करवाया जाता है आई और एन का, इसको बोला उन्होंने और उन्होंने यहाँ पे वर्ड जेड की बजाय इम्पीडेंस लिख दिया, तो हम क्या होते हैं इम्पीडेंस भी नहीं लिखा, उन्होंने लिखा ड्रॉ ग्राफ बिटवीन रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एलसीआर सर्किट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एलसीआर सर्किट। अब रेजिस्टेंस कौन ऑफर्ड करता है एलसीआर सर्किट में? इम्पीडेंस। इम्पीडेंस तो ये तो अब भी आप लोगों को याद है, जब आप पेपर में बैठोगे ना तो बहुत सारी बात उठती है, तो जल्दी जल्दी में आप पता नहीं क्या ही लिखाते हो तो उसके कारण सारा गलत बनाया थे, फिर बोलते पेपर बाहर से आया, ठीक है ना? पेपर के क्वेश्चंस यही है आप लोगों को करना है। चलिए लिखिए नेक्स्ट, आई होप ये सबने बना लिया होगा। नेक्स्ट लिखिए व्हाट इज इम्पीडेंस ट्रायंगल, ठीक है? लिखिए द ट्रायंगल
the triangle showing various reactants in a LCR circuit is called impedance right angle triangle. अलग अलग तरह की जो रिएक्टेंसेस देते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, हमारे पास क्या है, एलसीआर सर्किट की इम्पीडेंस है, इम्पीडेंस ट्रायंगल है, ठीक है। मैं अभी बना के बताती हूँ आपको, ये देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल, वही वाली ट्रायंगल जो हमने ग्राफ में बनाई थी वेक्टर्स में, ठीक है। तो यहाँ पे था फाई, और ये क्या था, जेड था, ये कितना होता है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर, तो इधर होता है एक्सएल माइनस एक्सी और यहाँ पे होता है आर, तो टेन फाइव तो हमें पता है, कॉस फाइव अगर कभी आ जाए, मतलब अगर कभी कुछ और ना दिया हो, एक्सएल माइनस ये ना दिया हो, तो अब कैसे निकालेंगे, जेड दिया हो तो फिर हम यहां से निकाल लेंगे, कॉस फाइव आर बाय जेड, साइन फाइव एक्सएल माइनस एक्सी बाय जेड, ठीक है ना। तो आप लोगों को देख लेना है, जो भी क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट होगी तो उससे ट्रायंगल बिल्ड कर लेना एक, अगर कभी वैल्यूज कैलकुलेट ना हो पा रही हो तो मेक अ ट्रायंगल और ऐसे बना लेना आप लोग, ठीक है। चले अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अभी आप जो लिखा था वो दिखा दो, अच्छा पीछे, ओके। द ट्रायंगल शोइंग वेरियस रिएक्टेंस इन एलसीआर सर्किट इज कॉल्ड इम्पीडेंस राइट एंगल ट्रायंगल, हाँ जी, क्या रूप आपने क्या पूछा, यही देखना था मैंने। Yes, ma'am. अगर आप लोगों को कोई वर्ड नहीं समझ आता तो यू मे आस्क इसके बाद क्या लिखा है, इसके बाद क्या है, ठीक है। अब चलिए जरा आपके पास क्वेश्चन, व्हाट इज, आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज आर सी एंड व्हाट इज एल आर सर्किट। अच्छा अभी हमने एल सी आर तीन अटैच किए, मैं दो दो भी अटैच कर सकती हूँ, पर तुम लोग नोटिस करना जरा, आर के साथ ही अटैच किए मैंने दोनों, ऐसा क्यों, एल और सी का सर्किट नहीं दिख रहा, कोई रीजन, क्योंकि आर में इन फेज होती है, ई हो रहा है, नहीं एक्चुअली क्या होता है, एल और जो सी होते हैं ना वो स्टोर करके रखते हैं हमेशा, आर जो है वो डिसिपेट करता है वैल्यूज को, पावर्स को, ठीक है। दूसरा रीजन ये है कि जब मैं एल और सी लगा दूंगी, अगर एल और सी का आपस में कॉम्बिनेशन बना दिया तो वो एक तरह की ऑसिलेशन बनाएगा, आप लोगों ने वर्ड तो सुना है ना, डैम्ड एंड अनडैम्ड ऑसिलेशन, तो वो वैसी ऑसिलेशन बनाएगा डैम्ड, ठीक है। पर मैं, मेरे को तो लगा था कि जब मैंने थ्योरी पढ़ी उसकी, आगे जाके आपको स्पेशल केसेस का कि एलसी ऑसिलेशंस दिखाओ आप, तो जब मैं पढ़ती हूँ ना थ्योरी, तब तो वो सबसे ज्यादा अच्छे से बात करती है कि नहीं नहीं अगर इसने एनर्जी दी तो वो दूसरे में कन्वर्ट हो जाएगी, उसकी उसमें कन्वर्ट हो जाएगी, तो हमेशा हमारे ग्राफ्स जो है वो अनडैम्ड रहेंगे। पर जब मैंने सॉल्व किया ना तो करते करते मेरे पास क्या हुई, डैम्ड आ गई, मतलब एक दिन वो खत्म हो गई, तो उसका रीजन भी करेंगे हम, इसीलिए हम उसको लेते नहीं है, एलसी ऑसिलेटर्स को नहीं लेते हैं, ठीक है। तो उसके स्पेशल केस बाद में डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ आर के साथ जो जो कॉम्बिनेशन बनते हैं दो दो के वो हमने बना दिए, ठीक है। तो लिखिए आंसर, द एसी सर्किट हैविंग आर एंड सी इज कॉल्ड आर सी सर्किट, जिसमें आर और सी लगे हो और कुछ ना लगाओ, ये लगाई रेजिस्टेंस, ये लगाया कैपेसिटर, ये लगाया हमारे पास यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। तो इसकी इम्पीडेंस कितनी होगी, अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर, ये है आर रे सी, ठीक है, क्लियर। यस मैम। तो सिमिलरली, तो अभी अच्छा एक और बात सुनना ध्यान से, अगर आपको किसी क्वेश्चन में सी ना दिया और ना ही क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट हो, तो सोच लेना कि वो
किसका होगा, एल आर का हो सकता है। अगर एल ना दिया हो तो आप सोच लेना कि आर और सी का हो। ये नहीं कि सबकी इम्पीडेंस निकालने चले हो न्यूमेरिकल में, सब में जेड निकाल रहे हो, सब में एक्स एल एक्स सी निकाल रहे हो। जो जो रिक्वायरमेंट है सिर्फ वही निकालना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं आपने कैलकुलेट करना। ओके, अगर किसी सर्किट में ये दो लगे हो और एल का कोई जिक्र ना हो, ना ही उन्होंने फाइंड आउट करने को कहा है, तो इसका मतलब वो क्या होगा, आर और सी सर्किट होगा। कहीं एल मत ढूंढते रहना, अच्छा पहले करंट निकालेंगे फिर एक्सएल करेंगे ई बाय एक्सएल। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। सिमिलरली द एसी सर्किट, ठीक है, विच हैज L and R connected is called LR circuit. ठीक है, तो बता दो फिर कैलकुलेशन। ठीक है, हमारे पास ये रहे। तो इट्स इम्पिडेंस ये R है, ये L है, कितनी आएगी इसकी इम्पीडेंस, R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। एक दो न्यूमेरिकल, हम L और C को एक साथ क्यों नहीं लगाते, वो दोबारा बताना एक बारी। अच्छा, आएगा अभी आपके टॉपिक, अभी तो LC ऑसिलेशन स्पेशली करेंगे, मैं वैसे बता देती हूँ, क्योंकि वो डैम्ड ऑसिलेशंस बनाते हैं हमारी, वो सर्किट चलता ही नहीं, क्योंकि दोनों स्टोर हाउस होते हैं। एल भी स्टोर हाउस कहलाता है एनर्जी को स्टोर करने का, और सी भी स्टोर हाउस कहलाता है एनर्जी को स्टोर करने का। कोई डिसिपेट करता ही नहीं है, मतलब यूज किसने करनी, जब सबने बचा के रख लेना, कोई तो खर्चने आएगा ना, है ना, यूज करने वाला भी तो कोई होना चाहिए, इसीलिए वहां पे हम उसको स्टोर हाउसेस कहते हैं वैसे, एल और सी को, एलसीआर सर्किट में। यस मैम, आएगा इसके बाद ही टॉपिक्स आएंगे, पहले कुछ न्यूमेरिकल्स हैं फिर उसके बाद ही आएंगे। लिखिए क्वेश्चन नंबर वन, तो इन एलसीआर सर्किट द वोल्टेज एंड वोल्टेजेस अक्रॉस, लिख लो सीधा, करंट दे ही नहीं रखा, अक्रॉस आर एल एंड सी आर 60, 30 एंड 30 वोल्ट, व्हाट इज नंबर वन, फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, नंबर टू वर्चुअल वैल्यू ऑफ अप्लाइड वोल्टेज, नंबर थ्री पीक वैल्यू ऑफ अप्लाइड वोल्टेज। चलिए जल्दी निकालो, कोई ऐसी चीज जो आपको नहीं समझ आ रही। इन एलसीआर सर्किट द वोल्टेज अक्रॉस R, L and C are 60 volt, 30 and 30. What is the phase difference between current voltage, current and voltage? Number 2, virtual value of applied voltage. Number 3, peak value of applied voltage. बताइए जल्दी आप।
हाँ जी, कोई एक आंसर तो आया होगा. फर्स्ट तो आ गया टेन फाइव सबका. आई होप जीरो टेन फाइव आ गया सबका. जीरो वेरी नाइस वेरी नाइस. और उसके बाद जिनको नहीं पता चल रहा वो स्क्रीन की तरफ देख सकते हैं. हाँ जी सेकंड. हाँ जी खालिद सेकंड. आया किसी का सेकंड? वर्चुअल वैल्यू. भाई मैंने उस दिन ही आप लोगों को सिखाया था कि ये ईवी होता है वर्चुअल वैल्यू. आर स्क्वायर प्लस सॉरी वी आर स्क्वायर वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर. तो ये कितना आएगा? 60 का स्क्वायर प्लस 30 माइनस 30, ये तो जीरो ही हो गया. तो ये कितना आ गया? 60 वोल्ट. इज इट क्लियर? इज इट ओके विद एवरीवन? Yes, ma'am. तो ठीक है, अब ये बताओ पीक वैल्यू कैसे निकालोगे? ईवी आपके पास है? तो आरएमएस नहीं होगा? हाँ जी ईवी तो आरएमएस है. तो पीक वैल्यू निकालो ना. थर्ड केस, थर्ड वो रूट टू वाला होता ना फॉर्मूला. क्या होता है? देख मेरे से कंफर्म कर रहा है, शाबाश. ये नहीं कि फॉर्मूला बताए, रूट टू वाला होता है. आप बाकी आप खुद देख लो क्या होता है. 60 into 1.414. तो आप लिख लेना, नहीं तो यहीं पे छोड़ना, यहीं पे छोड़ दो. 84.6 वोल्ट. पता चल गया आपको कैसे निकालने. अगर वोल्टेज आए तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर देना. चले आगे. ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिखिए. अब तो मैं न्यूमेरिकल ही करवा रही हूँ इसके ऊपर, तो सब अलर्ट रहे. दीपांशु आया नहीं हुआ आज? सो रहा है तू क्लास में लग रहा है मुझे, है ना? एक झपकी लग चुकी है. लग गई है. एक तो लगा के चलते ना हम. आंसर देते जाओ भाई, कैलकुलेशंस कीजिए. गर्ल्स, गर्ल्स आप तो माइक ही नहीं ऑन करती हो. अभी मैं पूछूंगी किसी से भी. 700 वोल्ट और 400 वोल्ट गिवन है आपको क्वेश्चन, ठीक है. फाइंड दी पीक वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर. फाइंड दी पीक वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर. चलिए जल्दी पीक वोल्टेज निकालिए अक्रॉस कैपेसिटर. जल्दी सॉल्व कीजिए. फोर हंड्रेड सेवन हंड्रेड और इधर दे रखा है ई इज इक्वल टू 500 रूट टू साइन ओमेगा टी. और इतना याद रखना ये सारे क्वेश्चंस आपके बहुत अच्छे क्वेश्चन है जो मैं सॉल्व करवा रही हूँ, कैलकुलेटेड है ऑलरेडी, ठीक है. तो इनमें मिस्टेक तो कोई चांस नहीं है और कैलकुलेशंस भी डायरेक्ट होंगी हमेशा. जैसे अभी पीछे देखा आपने 60, 40, 50. चलिए जल्दी गर्ल्स में से. हाँ जी दीक्षा. हाँ जी तक्षिका. आंचल है यहाँ पे? एक वो आंचल भी थी ना. हाँ जी आंचल आप बताइए क्या वैल्यू आएगी, कैसे सॉल्व करेंगे, व्हाट विल बी योर अप्रोच? गुरलीन ह
हाँ जी गौरांग न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो? सब सोए हुए हैं इस क्लास में, कोई आंसर नहीं दे रहा। जिन्होंने सॉल्व किया पीयूष, डिड यू सॉल्व इट? मैं अभी कर रहा हूँ। हाँ जी सुमित, आपकी अप्रोच क्या है बताना जरा, सबसे पहले क्या फाइंड आउट किया आपने? शाबाश सुमित, वेरी प्राउड। वो कहा है इंद्रप्रीत? इंद्रप्रीत कहा है भाई? हाँ जी इंद्रप्रीत जी, आप बताइए। भाई एलसीआर सर्किट आपको सबको समझ आया? व्हेन इट कम्स टू न्यूमेरिकल व्हाई यू आर नॉट एबल टू सॉल्व देम? फॉर्मूला 2.5 वोल्ट आंसर फाइनल? नो। देखो भाई आप लोगों को मैं ही सॉल्व करवाती हूँ, किसी का भी नहीं निकला यहाँ से। देखो हमें पता होता है E is equals to E naught sin omega t होता है, तो गिवन में क्या दे रखा है? E is equals to 500 root 2 sin omega t, तो इसका मतलब E naught तो सीधा ही दे रखा है उसने 500 root 2, तो इससे EV आ जाएगा। EV क्या होता है हमारे पास? E naught by root 2, तो 500 root 2 by root 2 कैंसिल कर दो तो ये कितना आ गया? दोबारा से क्वेश्चन पढ़ना, क्या फाइंड आउट करना है? प्रूफ मैम 400 root 2। यस 400 root 2, वेरी नाइस कशिश। एक गर्ल्स में से यही है श्रुति प्रकाश और श्रुति धीमान सरगम, ये सब कर क्या रहे हैं? ये गर्ल्स कहाँ हैं? रिया विदिता, रिया जसल, रिया सिंह, ये सब है कहाँ? यहाँ पे देखो जरा, फॉर सीरीज सर्किट हमारे पास क्या है इस तरह से, वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये रहा हमारे पास EV is equals to यहाँ पे अंडर द रूट VR का स्क्वायर। अच्छा तो VR का स्क्वायर कितना है? 400 स्क्वायर प्लस 700 माइनस VC का स्क्वायर। तो EV हमने कैलकुलेट कर रखा है, तो क्यों ना मैं ऐसे कर दूँ 500 का स्क्वायर, इसका ये जो रूट है वो इधर लेके आ जाऊँ, तो ऐसे आ जाएगा 400 का स्क्वायर माइनस 700 माइनस सॉरी प्लस 700 माइनस VC का होल स्क्वायर। सब पे स्क्वायर आ गया, 500 के स्क्वायर माइनस 400 का स्क्वायर इज इक्वल टू 700 माइनस वीसी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से कैलकुलेट करते हैं अब हम, 500 माइनस 400 का स्क्वायर अलग अलग से अंडर द रूट, ये आ गया 700 माइनस वीसी, तो ये कितना आ गया 2500 चार बार जीरो माइनस 16 4 टाइम जीरोस अंडर द रूट, तो ये कितना आ गया हमारे पास अंडर द रूट 900 का 900 सिर्फ, ये ऐसे आएगा ना, ये दो जीरोस मैंने एक्स्ट्रा तो नहीं लगा दी, आनी 300 का होल स्क्वायर आएगा। 300 आएगा मैम, 300 आएगा ना, 300 का होल स्क्वायर। हाँ अब ठीक है, 9000 आना था, हाँ 9000। ठीक है, तो 700 माइनस वीसी, 700 माइनस वीसी, ठीक है, तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो 300 आ गया, तो इज इक्वल टू 700 माइनस वीसी, तो वीसी इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 400 वोल्ट। ठीक है, तो अब जो आप गलती एग्जाम में करोगे, जैसे अभी रूप ने की, उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है? पीक वोल्टेज, तो ध्यान से देना ठीक है आंसर। तो पीक वोल्टेज अक्रॉस वीसी कितनी होगी? पीक ऑफ वीसी वो कितनी होगी? वीसी अंडर द रूट 2, मतलब ये हमारे पास वर्चुअल आती है, तो वर्चुअल का अंडर रूट करेंगे के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो पीक आता है 400, तो ये हमारे पास आंसर आ गया, इट विल बी 566 वोल्ट। ठीक है, समझ आया न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है सबको? इज इट क्लियर? ठीक है, इस क्वेश्चन देती हूँ और चलिए चलिए जल्दी, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन आने हैं बीच में। लिखो जरा, अ रेजिस्टेंस
रेजिस्टेंस ऑफ इन द ब्रीच आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ कि निकालना जरा अभी इसको 12 ओम कैपेसिटर ऑफ 14 ओम एंड प्योर इंडक्टर ऑफ 0.1 हेनरी आर कनेक्टेड इन सीरीज विद 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज कैलकुलेट द करंट एंड फेज एंगल. फेज एंगल किन किन के बीच में होता है हिमांशु? ई एंड आई. यस, ई एंड आई, वेरी नाइस. हाँ जी गर्ल्स एंड बॉयज, चलिए फटाफट सॉल्व कीजिए अब इसको. कैपेसिटर ऑफ 14 ओम का क्या मतलब? कुछ सोचो. ये दीपांशु ना नींद से जाग के जो वो होता है ना जिसपे सोचना होता है ये पहले ही पूछ लेता है. अब बाकी सबको भी हिंट मिल गया. इंद्रप्रीत को देखना हिंट मिल गया. ये जल्दी. हाँ जी बॉयज. नितिन सॉल्व हुआ? वरुण देव आप कुछ कर भी रहे हो? सॉल्व कर रहे हो? अर्शवीर वो कहाँ है? अर्शप्रीत कहाँ है? इज ही एब्सेंट टुडे? यस. जसकरण सिंह सॉल्व हो रहे हैं कोई क्वेश्चन? नो मैम. वेरी नाइस एज यूजुअल. कब करेगा तू? अब तो 11th भी निकाल दी तूने ऐसे ही. समझ रहा हूँ अभी तो ट्यूशन लगा. अच्छा चलो गिवन डाटा बताओ जरा मुझे एक एक करके. सबसे पहले क्या गिवन है? हम डाटा लिखते हैं पहले. आर 12 ओम ठीक है. आर हमारे पास 0.1 हेनरी. एल दे रखा है 0.1 हेनरी. वेरी नाइस. एक्सी 14 ओम. यस एक्सी है वो 14 ओम ठीक है. और वर्चुअल वोल्टेज 220. ई नॉट इज इक्वल टू 220. ई नॉट नहीं है फिर से मिस्टेक. ई बी है ये. N is equals to 50. तो x l निकालो सबसे पहले. l into 2 pi n. 10 pi. 10 pi है? Yes ma'am. मार खानी है तुम लोगों ने मेरे से. अच्छा pi को एक second pi को ना यहाँ पे 3 ले लो. take pi is equals to 3. फिर भी 10 कैसे आया तुम्हारा? 10 pi आ रहा था ना ma'am. अच्छा 10 pi आ रहा था ठीक है. 30 ओम ठीक है. अब ठीक है आप लोगों के पास. अच्छा तो फिर आप क्या करोगे? Z निकालोगे. तो Z कितना आएगा? R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर. तो ये कितना आएगा? 144 प्लस 16 का स्क्वायर प्लस 256 400 किसका हुआ? 20 का. Z आ गई. क्या निकालना है? करंट निकालना. तो करंट कितना आएगा? I is equals to E by Z. तो E दे रखा है. कितना दे रखा है आपको? ये पाई 3 गेस है. अरे वो क्वेश्चन में दिया हुआ है पाई 3. टेक पाई इज इक्वल टू 3. वो क्वेश्चन में दे रखा है सीबीएसई वालों ने आपको कि टेक पाई इज इक्वल टू 3. समझ आ रहा है ना सबको? देखो जरा सारी वैल्यूज आपके सामने है. दिस इज दी ट्रिक. यहाँ पे बस यूज करनी थी. अब क्या करते हैं कि कुछ बच्चे इसको कैपेसिटर लिखा हुआ था तो उसको सी लेके चल पड़ते फिर 1/C ओमेगा निकालते.
पर अगर आपने यूनिट्स पे, मैंने आपको फर्स्ट डे से 11th क्लास के फर्स्ट डे से ये चीज बोली है कि फोकस ऑन दी यूनिट्स ओनली, ठीक है, फिर कोई भी न्यूमेरिकल कोई भी चीज आपको बाहर से नहीं लगेगी इफ यू फोकस ऑन यूनिट्स ओनली. अच्छा तो फाइव कितना आया यहाँ पे, टेन फाइव एक्सएल माइनस एक्स सी ओवर आर. तो एक्सएल कितना है आपके पास 30, माइनस सी कितना है माइनस 14 बाई 12 इज इक्वल टू 4/3. हाँ जी वेरी नाइस, 4/3. तो टेन 4/3 किसका होता है भाई, 53 डिग्री का होता है. अगर आप ये ट्रायंगल बनाओ यहाँ पे, ये देखो 4, ये 5, ये 3, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना आ गया, tan phi is equals to 4/3. तो गर्ल्स आइदर यू राइट tan inverse 4/3, अदरवाइज आप लोगों को पता होना चाहिए कि 4/3 और 3/4 कितना होता है. तो बॉक्स करके लिख लो अगर आप लोग भूल गए हो. तो अगर tan आ जाए आपका 4/3, tan inverse 4/3 आ जाए तो ये होता है 53 डिग्री. और अगर आ जाए tan inverse 3/4 तो ये होता है 37 डिग्री. ये 11th में भी करवाया था आपको, याद होगा. कौन से टॉपिक में था अनिकेत 11th में, अब नहीं बोलेगा ये पीयूष. वेक्टर एडिशन में था. वेक्टर एडिशन में कहाँ पे, इसको देख रोटेशन में पहुंच. तो फिजिक्स में था. वेरी नाइस वेरी नाइस. ये तेरी स्टैंड अप कॉमेडी की क्लास चल रही है ना, लाइव सेशन ले रही हूँ मैं जूम पे. मैन वॉकिंग वेक्टर्स का टॉपिक, उसमें सबसे पहली बार बता दिया था आपको 4/3 और 3/4. प्लीज कीप इट इन माइंड क्योंकि एंट्रेंस में 3/4 और 4/3 ही आ रहा है बार बार, ठीक है. तो इसको याद रखना दोनों को. इज इट क्लियर, सबको हो जाएगा क्लियर ये? यस मैम. यस मैम. यस मैम. क्वेश्चन एंड आई होप कि अब गर्ल्स में से आप लोग आंसर दो मुझे, ठीक है गर्ल्स. सब सोई पड़ी है. चलिए जरा आगे लिखते हैं. लिखिए जो क्वेश्चन इज, एसी वोल्टेज ऑफ 100 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज. 100 वोल्ट है आपके पास और 50 हर्ट्ज है. 100 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज, ओके, इज कनेक्टेड टू 20 ओहम रेजिस्टर. 20 ओहम रेजिस्टर है, ठीक है आपके पास, एंड 20 हेनरी इंडक्टर है. इंडक्टर के यूनिट्स हेनरी होते हैं, एल के यूनिट्स हेनरी होते हैं, प्लीज कीप दिस थिंग्स इन माइंड, ठीक है. एंड आपको और क्या दिया रखा है, बस. आर कनेक्टेड इन सीरीज. फाइंड इम्पिडेंस फाइंड आउट कीजिए सर्किट की, एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट. एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट टेक पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10. अच्छा अगर वैसे भी कभी पाई स्क्वायर आ जाता है ना तो उसको 10 ही लेगा हमेशा, ठीक है. चलिए सॉल्व कीजिए. अच्छा तो कोई मुझे बताएगा ये कौन सा सर्किट है पहले? LR. LR सर्किट. वेरी नाइस. एक्सेल निकाल लो आप सबसे पहले, एक्सेल निकालो सबसे पहले जल्दी जल्दी. कितना आएगा एक्सेल? अच्छा एन नहीं गिवन आपको, आप क्या करें? 50 हर्ट्ज गिवन तो गिवन है. हाँ जी हाँ जी गिवन है. कीजिए सॉल्व जरा, कितना आया ये? 2000 वोल्ट है. 2000 पाई. 2000 पाई. ठीक है चलो फिर z निकालो इसकी. r स्क्वायर प्लस चलिए फटाफट यहां से सॉल्व कीजिए. 2000 आ गई. अच्छा ये L 100 नहीं है, L कितना है? 20 है. तो ये इतना ही आया फिर? Yes, ma'am.
ठीक है मैंने अच्छा वोल्ट का लिख दिया। चलिए यहाँ से कितना आ गया आप सबका, जेड आया किसी का कैलकुलेट करके? एनीवन, कोई एक बच्चा जिसका आ गया हो जेड? अच्छा ये तो टू की और भी वैल्यूज आ गई आगे, है ना? पाई का स्क्वायर हो गया ये 20√10 की पावर 4+1। 20√10 की पावर 4+1। ये ऐसे है? यस मैम। अच्छा कॉमन निकाला है तुमने, थोड़ा सा पहले ही कर लेते सॉल्व। यस 4×10³, 3×3 का स्क्वायर 6×10√2 जेड इज इक्वल टू कितना हो गया 400। हमारे पास 800 कुछ आया, 400+400 नहीं, 400 कॉमन निकाल लेती हूँ यहाँ से, और यहाँ पे 1+400 अगर मैंने कॉमन निकाला तो यहाँ से कितनी जीरोस बच जाएगी? 10^5 यहाँ पे 5 और यहाँ पे 2 है ना, तो इसमें यूज होगी 10^5। ठीक है तो ये कितना बना हमारे पास? जेड बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा आ रहा है ना आपका, 20 आ जाएगा। अगर हम इसको ऐसे ना ले और कर दें, वन को इग्नोर कर लेते हैं, फिर भी हमारे पास कितना आएगा यहाँ पे 7, तो z इज इक्वल टू 4×10⁻⁷, तो 2000√7 बन गया मैम, 2000√10। यस मैम, 2000√10। ठीक है तो इतना आ गया। अच्छा तो ये ठीक है, आपके पास z आ गई। ओके तो इसको सब्स्टिट्यूट करोगे किस में? आप करंट निकालना है, RMS वैल्यू, तो i इज इक्वल टू EV इज गिवन टू यू 100 बाय ये जो आपने z निकाली है, तो 100/2000√10, तो ये 0 से 0 कैंसिल कर देना, तो 1/20√10 I निकाल के आपका इतने एम्पियर करंट आ जाएगा। इज इट क्लियर? यस मैम। ठीक है तो मतलब LR सर्किट और ये वाला सर्किट भी हो तब भी कैसे सॉल्व करना है आपको आना चाहिए। ठीक है तो व्हेन इट कम्स टू हमारे पास एक दो थ्योरी क्वेश्चन है इसके, वो करवाने के बाद फिर हम आगे चलते हैं इसका पावर में। ठीक है तो पिछला पढ़ के आना तभी अगला समझ आएगा पावर वाला। ठीक है आपको वो सारे सर्किट पता हो कि कौन इन फेज है कौन आउट ऑफ फेज है। ठीक है भूलना मत उसको। ठीक है दैट्स ऑल। हाँ जी मैम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन विद एसी ट्रांसफार्मर हमारे सिलेबस में नहीं है क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन विद एसी ट्रांसफार्मर तो आ रहे हैं आगे, आगे ट्रांसफॉर्मर्स ही आएंगे। इस पावर के टॉपिक्स को खत्म करवा के ट्रांसफॉर्मर करवा रही हूँ, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के चैप्टर में ना मैं चेंज हो, अरे बोल रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो रही है ट्रांसफॉर्मर में विद एसी ट्रांसफॉर्मर्स। ट्रांसफॉर्मर्स का मतलब है वो वोल्टेजेस और करंट एसी यूज कर रहे हैं और उसमें दो कॉइल्स लगती है तो उसमें म्यूचुअल इंडक्शन हो रही है, वो पूरे उसका नाम ही यही है, ट्रांसफॉर्मर्स का नाम ही ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यूजिंग एसी ट्रांसफॉर्मर्स। Okay, yes. हाँ जी तो सिलेबस में है नहीं है पर जितना डाटा आपके काम का है वो सारा करवाऊंगी क्योंकि एंट्रेंस में तो सब आएगा। ठीक है ओके tan⁴/3 की वैल्यू नहीं पता कि phi कितना आएगा तो हम सिंपल phi is equal to tan inverse पे छोड़ सकते हैं। हाँ आप थ्योरी वाले पेपर में छोड़ सकते हो पर अगर आपको आती है, अब मैंने बता दी है तो आपको 4/3 और 3/4 फिर भी छोड़ के आओगे फिर तो गलत बात है ना, क्योंकि कल को मैंने पेपर नहीं चेक करना, वहाँ पे कोई भी टीचर देख सकता है और जिस तरह आप पेपर अटेंड करते हो रूप, तो अगर आपका पेपर सारा अच्छा है तो फिर वो टीचर दोबारा से आपके पेपर को रिव्यू करेगा कि कहाँ से आधा नंबर कट कर। ठीक है तो हमने वो मिस्टेक्स करनी क्यों है जब हमें पता है, वैसे आप छोड़ सकते हो ठीक है ना, तो बट फिर भी अब आप लोगों को वैल्यूज अवेयर हो मतलब इस बातों के बारे में तो प्लीज उनको लर्न कर लो। ठीक है यस मैम ओके थैंक यू मैम Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.